इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना, शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा डॉक्टर इंदु यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव पूर्व सर्जन SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सेवाएं अब इंदु हॉस्पिटल में। डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, पित्त की थैली, अपेंडिक्स, नसबंदी, बच्चेदानी और अंडाशय का ऑपरेशन, हृदय और ब्लड प्रेशर, मधुमेह, दमा और महिलाओं के समस्त रोगों का निदान इंदु हॉस्पिटल नीमराणा। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं RAT24। संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जाखराना की ओर से राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर लगभग 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगनियों और 70 ANM कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनको मास्क, छाता, डायरी, कैलेंडर, सैनिटाइजर देकर कोरोना के प्रति सजगता से काम करने पर हौसला अफजाई भी की गई। पूर्व में भी ट्रस्ट इन योद्धाओं का सम्मान कर चुका है। इस मौके पर तहसीलदार विक्रम सिंह, डॉक्टर आदर्श अग्रवाल, डॉक्टर पूरण मीणा, देवेंद्र शर्मा, अनिल कुमार सैनी, सत्येंद्र यादव, नारायण शर्मा, मोहित कुमार, उमेश कालू ठेकेदार सहित ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। ट्रस्ट ने आश्वासन दिया कि इस महामारी काल में ट्रस्ट हर संभव मदद को तैयार है। इस मौके पर डॉक्टर आदर्श अग्रवाल ने सभी का आभार जताया। हनुमान जयंती के अवसर पर रूद वाले हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं और राहगीरों के लिए बहरोड़ के प्रहलाद राय अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, लक्ष्मीचंद अग्रवाल, महेश अग्रवाल ने अपने स्वर्गीय माता पिता की याद में वाटर कूलर लगवाया। बाबा धर्मगिरी महाराज ने फीता काटकर कार्य का शुभारंभ किया। इस कार्य में बहरोड़ के क्लबों का प्रेरणा देने में अहम योगदान रहा। मंदिर परिसर में कोविड गाइडलाइन की भी पालना करते हुए सभी लोगों ने मास्क भी लगाए। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम बहरोड़ का एकमात्र उचित रेट वाला विश्वसनीय शोरूम। लहंगा चुन्नी, फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर सूट, फ्रॉक सूट, क्रॉप टॉप, कुर्ती, लेगी, दुपट्टा, कोट पैंट, फैब्रिक्स के अलावा सियाराम, रेमंड, विमल की शूटिंग शर्टिंग सभी एक छत के नीचे। पैसा नहीं, विश्वास ही हमारी कमाई। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम, नया बस स्टैंड बहरोड़, प्रोप्राइटर ब्रज किशोर शर्मा, जागवास वाले। बहरोड़ में रिजनेबल रेट व अच्छी लोकेशन के साथ विकास प्रॉपर्टीज आप बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का घर या लेना चाहते हैं दुकान या प्लाट, तो आज ही संपर्क करें विकास नंबरदार मुन्ना पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका बहरोड़। कोविड की गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए बहरोड़ SHO विनोद सांखला संक्रमण की परवाह किए बिना लोगों को जागरूक करने के लिए आज एक बार फिर से सड़कों पर आए और गाड़ियों से अपील भी की गई कि लोग बेवजह बाजार में न घूमें। उन्होंने दुकानदारों से भी कहा कि वो तय समय में अपने काम को निपटाकर घरों को प्रस्थान कर जाएं। मुंडावर कस्बे स्थित राजकीय कार्यालयों, राहगीरों, वाहन चालकों को यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव महेश गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों के बीच जाकर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया और लोगों को कोरोना से बचाव के सुझाव भी बताए। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार मास्क वितरण कार्यक्रम रखा गया था सरकारी कार्यालयों में, और जो वाहन चालक जो बिना मास्क थे उनको पुलिस प्रशासन के सहयोग से मास्क वितरण किया गया और उनको समझाया गया कि बिना मास्क के नहीं चलना चाहिए और इनकी जो कोरोना गाइडलाइन की भी पालना की जाए। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए लगाए गए जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइन के बाद कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष दुकानें बंद रही। SDM राम सिंह राजावत के नेतृत्व में प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का पालना नहीं करने पर कुल 7 दुकानें सीज की गई। उपखंड क्षेत्र में आम जन बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना के कारण जन अनुशासन पखवाड़े को लागू किया गया और इससे लोग ज्यादा भयभीत नजर नहीं आए। कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत,
तहसीलदार रोहिताश पारिक, नायब तहसीलदार विवेक कटारिया, थाना अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा सहित प्रशासन की टीम ने दौरा किया। मुंडावर उपखंड क्षेत्र में कोरोना की गाइडलाइन की पालना की जा रही है। सुबह से पुलिस के साथ मिलकर के और जो वाहन चल रहे थे अनाधिकृत रूप से गैर अनुमत, उनके खिलाफ चालान किए गए हैं। साथ ही हमारी राजस्व की टीम और पुलिस की टीम ने मिलकर आज 7 दुकानों को सीज किया है जो गाइडलाइन की पालना नहीं कर रही थी और जो निर्धारित समय था उसके पश्चात वो खुली हुई थी। आमजन से मेरी अपील है मुंडावर के लोगों से कि सरकार की गाइडलाइन की पालना करें और कोरोना से बचाव करें। RPS इंटरनेशनल स्कूल सोतानाला बहरोड़, जहां तराशा जाता है आपके बच्चों का बेहतर भविष्य। हार्ड वर्किंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, हार्ड वर्किंग बच्चे, हार्ड वर्किंग पेरेंट्स और ये क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि 9 स्कूलों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन सुविधाएं। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो सोचिए मत, फौरन चले आएं। RPS इंटरनेशनल स्कूल सोतानाला बहरोड़। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें RAT 24। नमस्कार।